कविता। मियां नवाज पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने जा रहे हैं, ऐसा हमारा नहीं बल्कि खुद उनका कहना है। नवाज शरीफ इस बात से वाकिफ हैं कि पाकिस्तान की सरजमीं पर कदम रखते ही उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वो अपनी बीमार बीवी को अल्लाह के भरोसे छोड़ अपनी बेटी मरियम संग पाकिस्तान लौट रहे हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। मियां नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के वजीर आजम बने, लेकिन इसे किस्मत का फेर कहें या फिर कुछ और, कभी भी अपना कार्यकाल बतौर पीएम पूरा नहीं कर पाए। कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, जिन हाथों में कभी आवाम की कमान नवाज शरीफ थामे रखते थे, आज उन्हीं हाथों में बेड़िया पहना दी जाएंगी। जी हाँ, एवनफील्ड अपार्टमेंट मामले में दोषी पाए जाने के बाद पाक अदालत ने नवाज शरीफ को जहां 11 साल की सजा सुनाई, तो वहीं उनकी बेटी मरियम नवाज को 7 साल की सजा दी गई। और ऐसे में फांसी पर चढ़ाए जाने की परवाह के बगैर नवाज ने वापस अपने वतन लौटने का फैसला किया है। अपनी बीमार बीवी को अल्लाह के भरोसे छोड़ नवाज अपनी बेटी मरियम संग आज शाम 6 बजे लाहौर पहुंच जाएंगे, जहां उनके स्वागत के लिए एक तरफ उनकी पार्टी PIMLN के कार्यकर्ता का जमावड़ा होगा, तो वहीं दूसरी तरफ पाक पुलिस होगी जो उन्हें सीधे काल कोठरी ले जाएगी। तो 25 जुलाई को पाकिस्तान में वोट डाले जाने हैं, और ऐसे में नवाज शरीफ की वापसी से इन चुनावों पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।